गंज बासोदा के लाल पठार की घटना को देखने के लिए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, शैलेंद्र पटेल के साथ जिले के कांग्रेस पदाधिकारी पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के साथ पीड़ित परिवार से भी जाकर मिले। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने घर घर जाकर उनकी आपबीती सुनी। उसके बाद दोपहर 2 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जीतू पटवारी ने कहा, गंज बासोदा में हुई घटना सरकारी हत्या है, जिम्मेदारों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा मौजूद थे, उस समय ये घटना घटी थी, तब उन्हें मौके पर जाना चाहिए था, लेकिन खुद नहीं गए, ये शर्मनाक बात है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने परिवार को 51 लाख और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को दोषी करार दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस महंगाई कम करने का सिर्फ विरोध नहीं करती, बल्कि उस फार्मूले को भी बताती है जिससे महंगाई कम हो। उन्होंने दावा किया, 2023-24 में प्रदेश और केंद्र दोनों में ही कांग्रेस की सरकार होगी। इसके अलावा एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, भाजपा ने एक नई परंपरा शुरू की है, सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर भी FIR करने की। रवि चौरसिया की रिपोर्ट। लेकिन प्रशासन के चलते हुए थोड़े से पहले मतलब स्पॉट जो है अभी जहां हादसा हुआ है, पहले गड्ढा करने की मशीन, बोरिंग मशीन वहाँ पे गई हुई है। वहाँ करने के बाद और ये चिन्ह लगाएगा नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ, उसके बाद जहाँ से मशीन जो लौटेगी ना, तो पहला गड्ढा यहाँ पे होगा। ये उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है, क्योंकि इस मोहल्ले में उस कुएं के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है पानी का। अगर हम कहीं पानी लेने जाते भी हैं तो कम से कम यहाँ से दूर दूर 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ता हमें। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज़।